हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं और अभी है टोटो पर। टोटो से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, पहुंच गए गंगा किनारे, क्योंकि हमें गंगा के उस पार जाना है। अभी हमें जाना है रिषड़ा। तो चलिए, यहाँ पर हमने रिषड़ा जाने के लिए टिकट बनवा लिए हैं। यहाँ फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ खरदा से। खरदा के यहाँ से आपको 7 रुपये ले रहे हैं, 7 रुपीज़ ईच। तो हम 4 हैं, 28 रुपीज़ हम लोगों को लगा है गंगा पार करने के लिए। और फ्रेंड्स, वाह वाह, ये सुबह का नज़ारा, उफ वाह, बहुत ही अच्छा लगता है। ये माहौल इतना अच्छा लगता है, मन बहुत खुश हो जाता है। आप जहाँ जा रहे हो ना, वो जगह जैसे खूबसूरती उसका है, उसी तरह ये मौसम भी आज बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। कहाँ चलते हैं अभी भी मैंने आपको बताया नहीं, धीरे धीरे बताते हैं। चलिए, ये देखिए हमारा नाव आ चुका है। अभी हमें इसे पार करके रिसरा जाना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ गंगा मैया की गोद में बच्चे नहा रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है। वाह, क्या नज़ारा है। और हमें भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा भी बह रहे हैं और मौसम तो बहुत ही बढ़िया है। सुबह थोड़ा सा बारिश हुआ था। और अभी चलिए, इस पार से हमें उस पार जाना है। तो चलिए, चलते चलते बातें करते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, वाह, मैं आपको घुमा कर थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। चलिए, और चलते चलते फ्रेंड्स, मैं एक जगह आपको दिखा रही हूँ कुछ ही देर बाद, जो कि ब्रिटिश ने बनाए थे। और ये इसकी कहानी भी बहुत ही दुखद है। दो बिल्डिंग मैं दिखाऊंगी आपको गंगा किनारे अभी है। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की जो बिल्डिंग मैं आपको दिखाऊंगी, वो अंग्रेज के ज़माने में बना हुआ था, उन्होंने ही बनवाए थे। और ये जो बिल्डिंग बना था, इनके इतिहास का कहना है कि ये उस टाइम के जो लेबर थे, उनके पैसे अंग्रेज नहीं देते थे, उनके पैसे काट कर ये बिल्डिंग बनवाए थे, जो कि अभी क्वार्टर बन चुका है। यहाँ का जो मिल है, उनके क्वार्टर बन चुके हैं, उसमें अभी ये लोग मिल में जो काम करते हैं वो ऑफिसर लोग। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दो बिल्डिंग देख सकते हो, एक रेड कलर की, एक वाइट कलर की। तो आप कभी यहाँ विजिट करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, बस फ्रेंड्स, और कुछ ही सेकंड में हम पहुंच जाएंगे रिषड़ा घाट। और फिर चलिए, वहाँ से हम दिखाते हैं कि किस तरह हमें स्टेशन पहुँचना है। और स्टेशन से हमारा ट्रेन का टाइम है 7:50। जहाँ हम जा रहे हैं, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखकर। 100% श्योर हूँ मैं कि आप को आज मैं जो जगह दिखा रही हूँ, बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब इनकी इतिहास आप सुनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जितना मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए, आपसे बातें करते करते फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रिषड़ा। आप चलिए।
घाट पार करते ही हमें मिल गया टोटो, और टोटो पकड़कर हम लोग जा रहे हैं अभी स्टेशन, रिश्ड़ा स्टेशन। तो चलिए वहाँ पर पहुँच के हमें टिकट भी लेना है ट्रेन के लिए, तो हम लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बच्चे ने बता ही दिया है हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, तारकेश्वर जा रहे हैं, बाबा धाम। तो चलिए बाबा धाम की थोड़ी सी इतिहास जो मैं चाहती हूँ कि आप सुने और बाबा के बारे में कुछ जानकर तब वो जगह आप देखने जाए। तो चलिए मैं वो बता देती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है तारकेश्वर स्टेशन। हमें रिशड़ा से तारकेश्वर स्टेशन आने के लिए पक्का 1 घंटा 10 मिनट लगा है, और स्टेशन से हम पैदल ही आ रहे हैं बाबा के मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पर आप आओगे तो पंडित लेना बहुत ज़रूरी है। स्टेशन से आपको बहुत कोई मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका जाना पहचाना कोई पंडित है तो उनका नाम बता देंगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एक दूसरे पूरे लड़ जाते हैं आपको ले जाने के लिए। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें, और जाते जाते जहाँ भी आप एक भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो साइड में आपको देखने को ये सब दुकानें मिल जाते हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, ये सब पुराने बिल्डिंग हैं। एकदम ही हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास ही। तो चलिए पहले घर में प्रवेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक छोटा सा घर, बहुत ही छोटा था, और फ्रेंड्स मैं बता दूँ टॉयलेट भी उतना अच्छा नहीं था। फिर भी ये पुराने जाना पहचाना है तो फिर इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चलिए ये देख सकते हो फ्रेंड्स, एकदम बाबा के मंदिर के सामने हम लोग पहुंच गए हैं। अब चलिए यहाँ पर हमें नहाना है, हमें मतलब हम सभी नहा कर ही आए हैं घर से, फिर भी ये है फेमस दूध पुकुर, जहाँ नहा कर भक्त अपने बाबा के सिर पे पानी डालते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये थोड़ा सा दूध पुकुर। और दूध पुकुर का हिस्ट्री है, जो इतिहास है यहाँ का, इतिहास यही है कि दूध पुकुर में नहा कर आप सारे बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। और ये पानी आप अगर घर में रख कर घर में छिड़केंगे तो आपका कोई बीमारी नहीं होगा, मानना है। मैं आपको वही बता रही हूँ क्योंकि मैं बताऊंगी तो ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। जिनका जिस चीज में विश्वास है उसी में उनको फल मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देती। तारकेश्वर बाबा धाम, या आप इसे शिव नगरी भी कह सकते हो, ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो 800 साल पुराना है। कोलकाता से आपको 58 किलोमीटर की दूरी में ये मिल जाएंगे, और अगर आप दिल्ली से आएंगे तो लगभग 1520 किलोमीटर की दूर है ये। तो इसकी और भी इतिहास है किस तरह से ये मंदिर बना है, तो चलिए मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। इनको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्हीं के घर हम लोग रुके थे, बस नहाना इनका हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कलश ले चुके हैं बाबा के सिर पे पानी डालने के लिए, और इसके बाद मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना मना है। तो चलिए फाइनली ये देखिए हम लोग पूजा देने एकदम ही नज़दीक आ गए हैं। अब मुझे कैमरा बंद करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बाबा का मंदिर एकदम सामने से ही देख सकते हो आप।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों का पूजा हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से बाबा को पूरा एकदम पकड़कर हम लोगों ने पूजा दे दिया है। और फिर थोड़ा सा अभी साइड सीन भी देखूंगी, तो चलिए मैं पहले आपको इतिहास बता देती। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको जो शिवलिंग देखने को मिलेगा वो 1215 में बांके नदी के उत्तरी तट के झाड़ी में देखा गया था। उस समय स्थानीय लोगों ने इस पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया था और थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा दिया था। तब ये शिला में से बहुत से जहरीले जीव निकले थे जो बहुत ही नुकसान पहुंचाए थे लोगों को। कहना है कि 1500 घरों में लगभग 60 लोगों को डंक मार दिया था। उस समय 60 लोगों की मृत्यु हो गई थी और उन्हें मंदिर स्थल पर ही दफनाया गया था। तो इस दुर्घटना के बाद शिव जी एक दिन अब्राम के एक भक्त के सपने में आए और आकर उन्हें आज्ञा दिया कि उस लिंग को वहाँ से, मतलब बांके नदी के किनारे से ले जाया जाए। भगवान शिव के दो भक्त इसे सरलता से उठाएंगे और जब ये लिंग बहुत भारी हो जाए तो उसे वहीं नीचे रख दें और उस स्थान पर स्थापना कर दें। बाबा के आदेश के अनुसार वो मंदिर तो स्थापना किया गया है और मंदिर के ऊपर जब छत बनवाई गई तो पहली बार वो छत में आग लगकर वो नष्ट हो गए, दूसरी बार वो गिर गए। फिर बाबा ने एक भक्त को सपने में बोला कि मैं हूँ तारकेश्वर महादेव, मुझे सूर्य की किरणें चाहिए, इसलिए फिर मंदिर के छत का पुनर्निर्माण कभी भी नहीं किया गया। उस दिन से तारकेश्वर महादेव की शिवलिंग को मंदिर में सुरक्षित रखा गया और छत का निर्माण तो नहीं किया गया है। आज भी जब दोपहर के टाइम पे सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो उनकी किरणें पूरी सीधी तरह से तारकेश्वर महादेव पर गिरते हैं। तो यही था इनका इतिहास। और फ्रेंड्स, अभी मैंने निम्मी का जो जन्म का चूल था जो बाबा के यहीं पर देना था, तो इतने सालों बाद यहाँ पर दूध पुकुर में उसे डाल दिया है। और फिर उसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं। वो तो था सुबह का वक्त और ये है शाम के वक्त, जहाँ आपको भगवान के और एक रूप देखने को मिलेगा। इस टाइम आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही पूजा देना होगा और उनका जो वेश है बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम। तो उसे देखने के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आ गए हैं। मैं ये प्रसिद्ध जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है रसोई जहाँ बाबा का खाना बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये जो बाबा धाम का दर्शन हम लोग किए हैं वो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हो सके तो आप यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। 800 साल पुराना एक मंदिर है। ये देखिए भक्त सब बैठे हुए हैं। अब चलिए थोड़ा सा भोजन भी कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने भोजन नहीं किया है, 3:30 बज रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको नॉन वेज थाली मिलने वाली तो है नहीं। हम लोगों ने जो लिया था 80 रुपीज़ का थाली है, जिसमें आपको राइस मिल जाएंगे, आप जितनी बार चाहो ले सकते हो। उसके साथ है घी, आलू फ्राई और फ्रायम, दाल, शुक्तो
और आलू परवल की सब्जी। खाने का जो टेस्ट है कुछ खास भी नहीं था, एकदम ख़राब भी नहीं था, चलो जो भी हो ठीक ही है। और मुझे लास्ट में थोड़ा सा खट्टा दही खाने का मन कर रहा था इसे लिया था, तो इसका प्राइस लिया था 20 रुपीज़, तो चलो ठीक ही है। खाना खाने के बाद हम लोग घर पहुंच के अपना सामान लेके पहुंच गए स्टेशन। अभी बैठी हूँ ट्रेन में, 4:20 पर तारकेश्वर से ये ट्रेन छूटने वाली है, तो चलिए फाइनली तारकेश्वर बाबा धाम की ओर से हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और घर जाते जाते बहुत कुछ यादें लेकर जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। और फिर पहुंच गई घाट पर और ये शाम का वक्त है जहां आपको और एक सौंदर्य अनुभव होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना ज़रूर, और आप अगर चाहते हो तो ज़रूर एक बार बाबा धाम होकर आना। कहाँ से जा रहे हो, किस तरह जाना है, आप अगर नहीं जानते हो, कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी और एक नई वीडियो लेकर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। তো টাটা, এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট সিন, তারপর আর দেখা যাবে না, এই জন্য ফাইনাল টাটা সবার জন্য। বাই বাই, লাভ ইউ।